एक मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। एक मिनट में जहां चाइना 10 बच्चे पैदा करता है, वहीं भारत में एक मिनट में 30 बच्चा पैदा होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कही है। बता दें कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, 11 जुलाई है। पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पूरे दुनिया की जनसंख्या जो है वो 8 अरब हो गई है, और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है कुछ बातें कही हैं। लगातार वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो आना चाहिए। क्या कुछ कह रहे गिरिराज सिंह, पहले सुनिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरी दुनिया सतर्कता जनसंख्या दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना, 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज एक मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। तो आपने सुना गिरिराज सिंह कह रहे थे कि 1978-79 में चाइना और भारत की जीडीपी जो है वो लगभग बराबर थी, लेकिन आज जो है भारत की जनसंख्या वो तेजी से तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी जो है वो चाइना से काफी कम हो गया। और ये भी कहा कि एक मिनट में जहां चाइना में 10 बच्चे पैदा होते हैं, वहीं भारत में एक मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। और ये कहा कि जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बिहार की राजनीति में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार चलता रहता है, जहां बीजेपी लगातार ये मांग करती है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लागू होना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार साफ एतराज जताते हैं और कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने का जो संबंध है वो शिक्षा और अशिक्षा से है। जैसे बिहार की लड़कियां पढ़ने लगी, महिलाएं जागरूक हुई, तो जनसंख्या जो है वो अपने आप नियंत्रित हो गया। और ये भी कहा गया कि केरला का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होता है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा होता है, वहां जनसंख्या दर जो है वो खुद ब खुद कम हो जाता है, और जहां लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है कम होती है, वहां पर जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगता है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया इसका सीधा संबंध महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए कानून लाने की जरूरत नहीं। और ये भी कहा था कि चाइना में पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया, लेकिन चाइना में काफी दिक्कतें हुई, उसके बाद जो है उस नियम को रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसे चाइना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जो जवान थे उनकी संख्या कम होने लगी, और इसका असर जो है चाइना पर पड़ा, जिसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को खत्म कर दिया गया। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। पूरे विश्व की जनसंख्या अगर कहें तो वो 8 अरब के लगभग जो है पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का थीम जो है वो है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की और अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। आपको थीम से ही अंदाजा लग गया होगा कि आज दुनिया में इंसानों की आबादी 8 अरब पहुंच गई है, लेकिन उनमें से सभी के पास समान अधिकार और अवसर नहीं है। तो इस बार का जो विश्व जनसंख्या दिवस है उसका थीम यही है कि जो भी लोग हैं पूरे विश्व में 8 अरब लोग हैं, हर किसी को समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।